नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमरजीत कुमार, रोहतास की धरती ब्लॉग में आपका मैं वेलकम करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूं। ये 2023 का पहला सोमवारी है और ये हमारे साथ देख रहे होंगे सारे ये बांधू के सब लोग हैं। और हम लोग आज जा रहे हैं बाबा दशीसानाथ के यहाँ जल चढ़ाने के लिए। तो आपको पता नहीं होगा दशीसानाथ आखिर क्या है, कौन है, कहाँ पर है ये मंदिर। तो इसका मंदिर का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। ये बांधू नाम के गांव में, यहाँ पर जो अब सोन नदी है, यहाँ पर तीन नदियों का समागम है। यहीं पर बाबा दशीसानाथ जी हैं जो रावण के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो काफ़ी सुंदर जगह है और आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ लोगों का जा रहा है उस मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो मैं वहीं आपको ले कर चलता हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वहाँ पहुँच कर मैं दिखाता हूँ। और तो फ्रेंड्स, ये नाव पर हम लोग आ गए हैं और यही नाव पर हम लोग बैठ के जाएंगे। देख रहे हैं कि सारे लोग नाव पर बैठ गए हैं और हम लोग बाबा दशीसानाथ के यहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग नाव पार हो चुके हैं, नाव को छोड़ करके अब हम चल रहे हैं बाबा दशीसानाथ के यहाँ। और काफ़ी भीड़ है बाबा दशीसानाथ के दर्शन के लिए। और वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, काफ़ी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियाँ सारे उत्साहित होकर के सब लोग बाबा दशीसानाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सोन नदी के मध्य धारा में यह विशाल शिला खंड पर बने चबूतरे पर शिवलिंग विराजमान है। तो ये जो है नौहट्टा प्रखंड के बांधू गांव से करीब आधा किलोमीटर दक्षिण में सोन नदी के मध्य धारा में विशाल शिला खंड पर बने चबूतरे पर शिवलिंग विराजमान है। और स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि रावण द्वारा स्थापित किए जाने की वजह से इसका नाम दशीसानाथ महादेव पड़ा। पुराणों में कहा गया है कि रावण जब कैलाश पर्वत से भगवान शिव को लंका में स्थापित करने ले जा रहा था, तभी उसे लघु शंका लगी और वह शिवलिंग को इसी स्थान पर रख दिया। बाद में शिवलिंग को उठाने का काफ़ी प्रयास लंकापति रावण ने किया, लेकिन भगवान शिव का लिंग स्थापित हो गया कैलाश पर्वत पर। और स्थापित बांधू गांव के शिवलिंग को मानचित्र पर भी देखा जाए तो उसके रास्ते में यह स्पष्ट नज़र आता है। सोन नदी में स्थित चबूतरे के बगल में चट्टानों पर प्राचीन काल के राजाओं के नाम अंकित है जिन्होंने इस स्थान का दर्शन पूजन किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस जगह पर विभिन्न राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में भी शिलालेख लिखवाए थे। इस स्थान पर कुल 16 शिलालेख हैं जो विभिन्न राजाओं द्वारा अपने शासनकाल में लिखवाए गए हैं। इसमें एक शिलालेख खैरवाल वंश की है जिसमें 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक वंशावली अंकित है। महाराज उदय धवल, प्रताप धवल देव, विक्रम धवल देव, सहस धवल व अन्य राजाओं ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। फ्रांसिस बुकानन ने यात्रा वृत्तांत इस शिवलिंग को द्वारिश्वर महादेव नाम दिया था।
मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और मैं आपको आगे बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन पर इस जगह पर बहुत ही भारी मेला लगता है और जो दिन के 3 दिन तक चलता है। और पहले जो मेला लगता था वो महीनों तक रहता था। महाशिवरात्रि के दिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पड़ोसी झारखंड राज्य के हजारों श्रद्धालु भक्त बाबा के दर्शन एवं पूजन करने जुटते हैं। इतिहासकार डॉक्टर सुंदर तिवारी की माने तो दशीसानाथ महादेव स्थल बहुत रमणीक और पूरे श्रावण मास में भक्त कांवर लेकर पहुँचते हैं और बिल पत्र तथा गंगा जल अर्पित करते हैं। यहाँ शिवरात्रि का मेला भी लगता है।